गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ कुंवर जी सर। आज की इस क्लास में रेट ऑफ कांस्टेंट वेग स्थिरांक क्या होता है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन आज ये पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी छात्र बोर्ड की ओर ध्यान देंगे। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इसी को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट वेग स्थिरांक। लेट दैट एक जनरल एक सामान्य सी रिएक्शन है। लेट दैट ए गिव्स प्रोडक्ट एट टी इक्वल टू जीरो एट इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में। ए का सांद्रता कितना है, ए उत्पाद का कितना हो जाएगा जीरो। आफ्टर टी क्या है, टी इक्वल टू डी। आफ्टर टी टाइम कुछ समय बाद सांद्रता कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स घटकर, और ये जितना सांद्रण यहां घटेगा उतना सांद्रण प्रोडक्ट का बढ़ेगा। अभिकारक का एड इनिशियल प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल ए, और कुछ समय बाद टी इक्वल टू टी उसका सांद्रण ए माइनस एक्स और उत्पाद का सांद्रण एक्स हो जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन का अर्थ है द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अर्थात वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, dx अपॉन dt। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। उसके अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती, अभिकारक आपका क्या है, कैपिटल ए, उसके सांद्रण के समानुपाती हो जाएगा। तो t समय बाद क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर के a माइनस x। ये समीकरण जो है आपका, इस यदि a माइनस एक्स बराबर सी देन तब क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर k इंटू सी, के इंटू सी। फिर देखते हैं, इफ यदि c बराबर 1 देन तब क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर k। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये आया है, ध्यान देंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के बराबर होगा, किस डेफिनेशन के अंतर्गत है ये देखो ध्यान से। जिस समय अभिक्रिया का सांद्रण एक इकाई हो जाता है, सी इक्वल टू वन, जिस समय अभिक्रिया का सांद्रण एक इकाई हो जाता है उस समय अभिक्रिया का वेग अर्थात डी एक्स अपॉन डी टी, उस समय अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। तो ये वेग स्थिरांक की डेफिनेशन है। इसके बाद देखेंगे इकाई यूनिट, वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt के अनुसार। dx क्या है, मात्रा, मात्रा किसमें है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। dt क्या है, टाइम समय सेकंड में, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये आप सभी नोट कर लेंगे। इसके बाद वेग स्थिरांक के बाद आपको बताया जा रहा है अभिक्रिया की आवेगता। अभिक्रिया की आणविकता, आणविकता आप देखेंगे मॉलिक्यूलर में, आणविकता क्या होती है, सुनिए ध्यान से, हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनो।
जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके अभिकारक में जितने अणु भाग लेते हैं वही उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। फिर एक बार ध्यान से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके अभिकारक में जितने अणु भाग लेते हैं वही उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। दैट इज सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि रिएक्शन है N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3। तो देखो एक अणु नाइट्रोजन का है, तीन अणु हाइड्रोजन के हैं, तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है आणविकता वो कितनी हो जाएगी 4। इसी प्रकार H2+Cl2 गिव्स 2HCl। तो एक अणु हाइड्रोजन का है, एक अणु क्लोरीन का है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी 2। तो इसके अभिकारक में 2 अणुओं ने भाग लिया, इसके अभिकारक में 4 अणुओं ने भाग लिया, इसलिए मॉलिक्युलरिटी 4 मॉलिक्युलरिटी 2। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो वन स्टेप में है उसकी आणविकता को हम देखकर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बहुपद में होती है, एक से अधिक पदों में होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को देखकर नहीं बताया जा सकता है। अभिक्रिया की आणविकता के बाद अभिक्रिया की आणविकता के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्णांक संख्या में होती है, अभिक्रिया की आणविकता सदैव धनात्मक होती है, ये याद रखें। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या कहलाती है समझो इसको। अभिक्रिया की कोटि दोनों तथ्य हैं, अभिक्रिया की कोटि वेग नियम पर निर्धारित है, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो रेट होता है, वेग होता है, उस पर निर्धारित होता है। क्यों, जो रेट होता है वो इस प्रकार इसको प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे dx/dt ये अभिक्रिया का रेट होता है, k अभिकारक a रिएक्शन है, a+b गिव्स c, अर्थात अभिकारक कितने हैं इसमें बेटा 2, a और b अभिकारक है। ये जो लिखा गया समीकरण ये द्रव्यमान क्रिया के नियम से लिखा गया, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये कक्षा 1-10 में पढ़ाया गया था तुम्हें, लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्यमान क्रिया का नियम। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग dx/dt उसके अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है, समानुपाती का साइन हटता है तो एक स्थिरांक आता है जिसे के वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो के का जो इकाई है, जो मात्रक है, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए अलग अलग होता है। प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के अलग, द्वितीय कोटि के लिए भिन्न, तृतीय कोटि के लिए भिन्न, शून्य कोटि के लिए भिन्न वेग स्थिरांक का मान होता है। वेग स्थिरांक का मान आसानी से निकाला जा सकता है। वेग स्थिरांक का मान कैसे निकाला जाएगा, देखिए ध्यान से, के बराबर क्या हो जाएगा, ये dx/dt। अब ये दो अणु इसमें भाग ले रहे हैं, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि, ध्यान से सुनिएगा, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो उचित घातांकों के योगफल के बराबर होती है, उचित घातांकों के योगफल के बराबर। यदि यहाँ n है n1 और यदि यहाँ n2 है, तो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है, अभिक्रिया की जो कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही हो जाएगा इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि n1+n2। अब n1=0 हो सकता है और n2=1 हो सकता है, तब एक कंडीशन कब होगी, ये होगी ऐसी dx/dt बराबर के a^0 और b^1, तब ये होगा। कंडीशन ये भी हो सकती है, 1+0=1, तब कंडीशन ये होगी dx/dt = k a^1 b^0। कंडीशन ये भी हो सकती है 1+1=2, अर्थात dx/dt = k a^1 b^1। तो ये देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या है, n1+n2 अर्थात
उचित घातांकों का योग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग और उसके अभिकारकों के सांद्रण पर उचित घातांकों का योगफल और उचित घातांकों का योगफल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि चार प्रकार की होती है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये चारों प्रकार की जो कोटियाँ हैं इनमें वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसा कोई आज तक वर्ष नहीं गया है जिस वर्ष में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कोटि नहीं पूछी गई हो। निश्चित रूप से फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कोटि पूछी जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस पर न्यूमेरिकल 100% आता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिस छात्र ने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन कर लिया और उसका न्यूमेरिकल लगा लिया, उसके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स 4 मार्क्स बिल्कुल रेडी है, कंप्लीट आसानी से हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।